गुंडा खेसारी है, इसका मन इतना बढ़ गया है कि इस तरह की मूवी बनाने के बावजूद आके वो मीडिया में साफ तौर पे धमकी दे रहा है कि हमको अगर कोई कुछ किया तो हम उसको देख लेंगे, हम उसको इतना घसीटेंगे तो घसीट तो तुम जाओगे, इतना घसीटाओगे, उस पर FIR करते हैं, इतना FIR करेंगे, इतना चाची की बाची सपनवा में आवेली। अरे चाची तू हर बाची सपनवा में आती है। तो चाची की जो बाछी, इसका मतलब जो अपनी चाची की जो बेटी हुई वो उसकी कौन लगेगी? अरे चाची तू हर बाची सपनवा में आती है, वो उनकी बहन लगेगी। अरे चाची तू हर बाची सपनवा में आती है, तो यही तो बात है कि उनकी बहन उनके सपने में आती है। अरे चाची तू हर बाची सपनवा में आती है, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। तो मैं खेसारी लाल को बोलना चाहूंगी कि तू सुना, जल्दी से जल्दी बाहर निकला, आके माफी मांग ला, ना तो तहरा माफी आके पैर में झुक के मांगे परी, कहे कि माई बहन का होली तहरा नखे पता, बहन के या माई के भोजाई की इज्जत का होला शायद तहरा नखे पता, लेकिन हमने की तरह याद दिलाई मैं रिश्ता का होला, कैसे गाना बनावे ला, केकर गाना केकरा पे का कहला, तारे के हमने की बताई जा आवा और जल्दी से जल्दी आके माफी मांगा। खेसारी लाल ने एक गाना गाया, अरे चाची तू हर बाची सपना में आती है। अब उसको लेकर सोशल मीडिया पे इतना बवाल मचा हुआ है कि क्या बताया जाए, उनका विरोध पूरा चारों तरफ हो रहा है। तो हमारे साथ उसी पे बात करने के लिए हैं जन अधिकार पार्टी की नेता सुप्रिया खेमका जी। सुप्रिया जी एक चीज़ बताइए कि क्या खेसारी लाल यादव ने क्या ऐसा उस गाने में क्या ऐसा गाना गाया कि लोग उनका विरोध? शायद खेसारी लाल जी पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं किए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जो गाना गाया है उसका वो लाइन है चाची की बाछी सपनवा में आवेली। अरे चाची तू हर बाछी सपनवा में आती है। तो चाची की जो बाछी, इसका मतलब जो अपनी चाची की जो बेटी हुई वो उसकी कौन लगेगी? अरे चाची तू हर बाछी सपनवा में आती है, वो उनकी बहन लगेगी। अरे चाची तू हर बाछी सपनवा में आती है, तो यही तो बात है कि उनकी बहन उनके सपने में आती है। अरे चाची तू हर बाची सपना में आती है। तो बवाल और मुद्दा यहीं से खड़ा हो जाता है कि किस तरह के इंसान है वो, किस तरह का चरित्र है उनका। और जहां तक मैंने देखा कि वो मीडिया भाइयों को बहुत ही आंखें बड़ा मूंछ पे ताव देके वो मीडिया वाले को बोला कि अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ या कुछ भी ऐसा पोस्ट डाला फोटो डाला तो उसके खिलाफ उसके पूरे खानदान को ये क्या बहुत तरह तरह से खानदान को क्या, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, महिलाओं को भी घसीट लिया उन्होंने, इतना अभद्र लैंग्वेज यूज किया कि सबको खींच लूंगा, 25-50 लाख रुपया लगेगा तो वो भी लगा दूंगा, बहन भाई भौजाई किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो मैं खेसारी लाल जी को याद दिलाना चाहूंगी कि वो जो भी करते हैं किसी भी प्लेयर के ऊपर, किसी भी पॉलिटिशियन के ऊपर, या फिर उनकी जो भी भोजपुरी मूवी बनती है, तो वो क्या याद करते हैं कि उन्होंने कितनी तारे के चुटकुले, अभद्र भाषा, अभद्र सीन उनके भोजपुरी मूवी में होती है, तो उन्होंने कभी ये सोचा कि बाकी लोगों पे किसका क्या असर होता होगा? अच्छा एक चीज बताइए कि खेसारी लाल ने तो माना कि खेसारी लाल ने गाया, वो अभी गा रहे, उनसे पहले भी बहुत सारे आर्टिस्टों ने, जैसे शुरुआत इसकी शायद मनोज तिवारी ने की थी, तो उनको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों होने? क्योंकि एक्चुअली मुझे एक तो लगता है कि ये पब्लिसिटी पाने का खेसारी जी का भी ये नया स्टंट ये अपना रहे हैं, वो तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि भोजपुरी मूवी का बाजार दिन पर दिन गिरता जा रहा है। अब भोजपुरी मूवी मुझे नहीं लगता कि कोई पसंद करते, कि उसका लैंग्वेज देखिए किस तरह का होता है, औरतों का तो बिल्कुल सम्मान होता ही नहीं है। एक गाना सुने होंगे, मुझे बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, ये सब अभद्र भाषा का यूज होता है। वो शायद हम लोग पहले इसका विरोध किए होते तो ये इतना वल्गर भाषा उसमें यूज नहीं किया जाता, महिलाओं का कहीं भी इज्जत सम्मान तो उसमें उनकी मूवियों में होता ही नहीं है। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करूंगी, जिस जो भी महिलाओं का भोजपुरी मूवी होता है उनमें महिलाओं को बस एक चुटकुले के और एक मजाक के तौर पे बस रखा जाता है। तो ये अभी नहीं, अगर हमने विरोध नहीं किया, अगर हमने उनकी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, और ये जो खेसारी लाल है उसका अगर मुंह नहीं बंद करवाया, एक वही है भारत में सबसे ज्यादा वीर वही है, और भारत सरकार को क्या उसको संरक्षण दे रखा है गुंडागर्दी करने का,
किस तरह से वो जिस तरह का मीडिया भाइयों के लिए वर्ड यूज किया है हम सबको देख लेंगे। तो मैं खेसारी लाल को बोलना चाहूंगी कि तू सुना, जल्दी से जल्दी बाहर निकला, आके माफी मांग ला, ना तो तहरा माफी आके पैर पे झुक के मांगे परी, कहे कि माई बहन का होली शायद तहरा नखे पता, बहन के या माई के भोजाई की इज्जत का होला शायद तहरा नखे पता, लेकिन हमने की तरह याद दिलाई मैं रिश्ता का होला कैसे गाना बनावे ला, केकर गाना केकरा पे का कहला तारा के हमने के बताइम जा आवा और जल्दी से जल्दी आगे माफी मांगा। अच्छा, इस तरह के गाने से भोजपुरिया समाज पे कितना असर पड़ता है, जो भोजपुरी को, भोजपुरी एक मीठा लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में अभी मतलब इसको एक सराहा जाता है इस लैंग्वेज को, तो क्या कहेंगे इस लैंग्वेज को एक तरह से फूहड़ बना दिया गया है, और खासकर ऐसे सिंगरों को कुछ पैसे के लिए जो इस तरीके का गाना गाते हैं और सस्ती पब्लिसिटी के लिए इस तरीके का गाना गाते हैं, तो इससे समाज पे और समाज की जो महिलाएं हैं उन पर बुरा असर पड़ता है, तो क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यही तो बात है कि आजकल पब्लिसिटी के लिए थोड़े से पैसों के लिए ये लोग महिलाओं को एकदम रोड पे ला के रख देते हैं, एकदम इज्जत उनका रोड पे ला के देते हैं। हम लोग हमेशा से सुनते हैं कि औरतों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो अपने घर की हो चाहे बाहर की हो, लेकिन ये लोग आजकल क्या है, बॉलीवुड हॉलीवुड या भोजपुरी कहीं का भी मूवी देखिए, जितनी उसमें अश्लीलता होगी वो मूवी उतना ही ज़्यादा चलेगा, तो लोगों का भी विचार उस तरह का हो गया है, लोगों को पसंद आने लगा है। आप मतलब आपका कहना है कि लोगों को इस तरह का पसंद है तभी तो वो इस तरीके का बनाते हैं वीडियो या फिर गाना? ऐसा तो नहीं कि विवाह मूवी लोगों को पसंद नहीं आई थी, विवाह मूवी भी लोगों ने देखा था ना, अगर समाज में वैसी मूवी आएगी ही तो लोग क्या करेंगे, देखेंगे ही। अब जो मुझे तो शर्म आती है उन एक्ट्रेस पे, उन एक्टर पे, जिस तरह का वो लोग सीन करते हैं उन लोग को भी शर्म आनी चाहिए सब पे, तो ये समाज का माहौल ख़राब हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे देश में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने संस्कारी लोग हैं, तो ये सब का रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं। बॉलीवुड में भी देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, हर जगह कितनी गंदगी पड़ी हुई है, तो इसी का कॉपी आप भोजपुरी मूवी भी करने लगे हैं, बस थोड़ा सा पब्लिसिटी पाने के लिए बहुत ही दर्दनाक स्थिति कर देते हैं वो लोग मूवी में औरतों का। उसमें तो भोजपुरी में तो कुछ ज्यादा ही वल्गर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा वल्गर हो जाता है, और उसका क्योंकि ना उसके हीरोइन के फैमिली वाले रिएक्ट करते हैं और ना हम समाज वाले रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए जो गुंडा खेसारी है इसका मन इतना बढ़ गया है कि इस तरह की मूवी बनाने के बावजूद आके वो मीडिया में साफ तौर पर धमकी दे रहा है कि हमको अगर कोई कुछ किया तो हम उसको देख लेंगे, हम उसको इतना घसीटेंगे, तो घसीट तो तुम जाओगे, इतना घसीटाओगे। आप गुंडा करेंगे, आप पे भी कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई मतलब जो गुंडागर्दी वाला काम करेगा तो उसे गुंडा आदमी कहेगा ना, बोलने का हक है हमें। जिस तरह से वो बोला है, क्या कोई सज्जन व्यक्ति वैसा वासे का यूज कर सकता है? ऐसा लैंग्वेज किसी भी सज्जन व्यक्ति का आपने सुना है कि कोई अगर सज्जन व्यक्ति अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो जाता है या उसको कोई बात का बुरा लगता है या फिर मीडिया को अगर उनको रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरे बारे में कुछ भी निगेटिव नहीं बोलिएगा, तो ये भाषा का यूज करना सही है? जिस तरह का उन्होंने भाषा यूज किया, मैं तो आप लोग को भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ हूँ, आप चलिए उस पर FIR करते हैं, इतना FIR करेंगे, इतना प्रशासन से भी पूछेंगे कि आप लोग को बुरा नहीं लगा वो उस तरह का, मतलब ये भारत में यही है अब किसी को कोई धमकी देके चला जाए? और जिस तरह का बोलने का टोन है, उनको तो अभी तक आके माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्या उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी ना अभी तक आप लोग से? नहीं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि भारत में रह किस तरह का यूज करते हैं, मतलब बिहार में उनका इतना अच्छा छवि था, सारा छवि उन्होंने बिगाड़ लिया, सारा छवि बर्बाद कर दिया, ये सही लैंग्वेज नहीं था उनका। पवन सिंह भी तो हैं, पवन सिंह भी गाते हैं, गुड्डू रंगीला है वो भी गाते हैं, तो उन पे वो लोग क्यों इस तरीके से, मतलब शुरुआत कहीं ना कहीं आप सबको करना है, तो चाहे वो पवन सिंह हो या फिर मनोज तिवारी ने जो गाया हो, तो वो लोग ही अगर शुरुआत से अगर इस पे लगाम लगाते तो आज ये भोजपुरी जो गाना है और जो भोजपुरी जो कल्चर है, जो लोग इसको एक अलग रूप में जानते थे, तो उसका एक इमेज कहीं ना कहीं अच्छा बनता ना। तो आप लोगों ने खुद नहीं गाया, तो आप खेसारी लाल भी उसी का हिस्सा है, तो वो ठीक है, अगर वो उन्होंने गाए तो मनोज तिवारी ने आगे धमकी नहीं दिया मीडिया वाले को, पवन सिंह ने धमकी नहीं दिया, या फिर और भी भोजपुरी एक्टर एक्ट्रेस है, तो उन्होंने आप लोगों को धमकी नहीं दिया। जिस तरह का ये कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि राखी सावंत से सीख रहे हैं कि किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में पढ़ते रहो और पब्लिसिटी पाते रहो। शायद उनकी मूवी अब चल नहीं रही है या फिर कोरोना के कारण उनका काम काज सब ठप पड़ा हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि वो पब्लिसिटी पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का लैंग्वेज यूज करना खासकर आप लोगों के लिए मीडिया वालों के लिए एकदम सही रहा है। तो ये थी हमारे साथ में सुप्रिया खेमका जी, जिन्होंने बताया खेसारी लाल यादव के बारे में कि शायद उनकी परिस्थिति अभी इस लॉकडाउन में ठीक नहीं है, इसीलिए वो इस तरीके का विवाद और इस तरीके का गाना गाते और मीडिया वाले को धमकी देते हैं। भाई हम मीडिया वाले हैं, सच्चाई दिखाते रहेंगे, आपको जो करना है कीजिए,
वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर ले, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।